मैं हैरान हो गई कि जो सारी जिंदगी इतने 62 साल तक कभी 5 बजे नहीं उठी और अब ध्यान के लिए 4:30 बजे उठ रही है। ये तो चमत्कार हो गया। घर में भी सब हैरान कि मम्मी को क्या हो गया इतनी जल्दी उठ रही हैं। और कई बार तो इतनी उत्सुकता होती थी, मैं उठ उठ के टाइम देख रही हूँ, 2 बजे उठ के बैठ रही हूँ, 3 बजे उठ के बैठ रही हूँ, अरे मुझे क्या हो गया ये समझ ना आया। मैं संतोष खेतरपाल, दिल्ली रोहिणी से आई हूँ, रिटायर्ड स्कूल टीचर। जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 2-2.5 साल का जो मुझे याद है, तो घर के पास मिट्टी, रेत, ईंट पड़ा होता था, तो मैं बहुत शौक़ से घर बनाया करती थी। रेत के पैर में रेता डाल के घर बनाना, फिर हाथ रख के घर बनाना, बहुत बड़े बड़े घर, और छोटी छोटी लकड़ियाँ उठा उठा के पेड़ों की फूल पत्ते से उसको सजाया करती थी, और सब सहेलियों से कहती थी ये मेरा घर है, इसको तोड़ना नहीं है, और शाम को जाते समय अपने घर को एक पत्ते से बंद कर देती थी, और जो मैं गोल्ड की इयररिंग पहनती थी वो भी उसके अंदर रख देती थी। तो एक दिन मेरे ब्रदर ने पूछा कि तुम्हारी कान की बालियाँ कहाँ हैं, तो मैंने कहा वो तो मेरे घर में है। कौन सा घर? तो मैंने कहा मैंने बहुत बड़ा घर बनाया है। तो मुझे पकड़ के ले गए, दिखाओ मुझे कौन सा घर है, कोई सोने की चीज़ ऐसे रखता है? मैंने कहा किसी की हिम्मत मेरे घर में से कुछ ले जाए, चलो देखते हैं। इतने में हम बाहर गए, उनको घर दिखाया, तो बड़ा घर, छोटा घर, उससे और छोटा, और बिल्कुल छोटा नन्ना सा। उसमें मैंने कागज़ की पुड़िया निकाली और मैंने कहा देखो ये बालियाँ तो पड़ी हैं, मैं रोज़ शाम को उतार के रख के जाती हूँ, सुबह जब आती हूँ तो मैं ये ले जाती हूँ। तो बहुत आश्चर्यचकित रहे ब्रदर कि ऐसे कैसे, और मेरी सारी फ्रेंड्स कह रही है तो रोज़ ही ऐसा करती है। तो ये मेरे बचपन का सबसे पहला अनुभव जो मुझे याद है, 2-2.5 साल की थी उस समय का। अब आप सोचेंगे कि इतनी कम उम्र में सोने की चीज़ें कौन पहनता है। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, मेरी माँ बाप को बहुत शौक था कि बेटी पैदा हो, बेटी पैदा हो। जैसे ही मैं पैदा हुई, 2 महीने की भी नहीं थी, तो उन्होंने मेरे कान नाक छिदवा दिए, शौक से नाक में भी पहना दिए गोल्ड का, और कानों में भी पहना दिए। तो सब कहते थे कोई चुरा लेगा, बच्चे को पकड़ लेगा, तो वो कहते थे कुछ नहीं होगा। और जैसे मैंने होश संभाला, जैसे अभी आपको बताया 2 साल की थी, तो मैं अपना ध्यान खुद ही रखने लगी कि मेरी चीज़ कोई नहीं उठाएगा। हम खुद अगर अलर्ट हैं, ध्यान रखते हैं अपना, तो हमारा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। अवेयरनेस बचपन से ही जैसे समझ लो आ गई थी। थोड़ी बड़ी हुई 5वीं 6ठी कक्षा में, हमारा परिवार आर्य समाजी, माता पिता मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे, लेकिन मुझे बचपन से ही व्रत रखने का बहुत शौक। सोमवार है तो शंकर जी का व्रत रख रही हूँ, मंगलवार है तो हनुमान जी का व्रत रख रही हूँ, वीरवार है तो नारायण जी का व्रत रख रही हूँ, शुक्र है तो संतोषी माता का व्रत। तो मेरे भाई कहते थे कोई ऐसा दिन है कि व्रत नहीं होता तुम्हारा, तुम सभी रविवार को भी रख लो, बुधवार को भी कोई भगवान ढूंढ लो। तो मैं कहती थी अभी मुझे पता नहीं है और कौन से हैं, तो मैं अभी यही रखती हूँ। तो ये मेरा 6ठी 7वीं क्लास का एक्सपीरियंस है, जब मैं मूर्ति पूजा में इन्वॉल्व थी, जबकि घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था मूर्ति पूजा के बारे में। माता पिता बहुत विरोध करते थे कि हमारे घर में ये सनातनी लड़की कहाँ से आ गई। मैं चोरी चोरी छुप छुप के संतोषी माता की फ़ोटोएँ रखना, हनुमान जी की फ़ोटो रखने, रामचंद्र की फ़ोटो रखना, छुपा के वो, फिर क्योंकि मैं लाडली बहुत थी तो इसलिए वो मेरा ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते थे कि चलो जो कर रही है करने दो इसको। फिर और बड़े हो गए, कॉलेज चले गए, नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद मैं अभी भी, मेरे को मन में ये था कि मैं मूर्ति पूजा तो कर रही हूँ लेकिन हैप्पीनेस नहीं आ रहा है। शाम को, रात को जैसे हम फ्री होते खाना वाना खा के, एक मोमबत्ती जलानी तो उसकी लौ को देखते रहना, लौ में क्या है, क्या जल रहा है, ये जो रोशनी दे रहा है, ये बत्ती दे रही है रोशनी या तेल दे रहा है। एक दिन मैंने उस तेल को गिरा दिया तो बत्ती 2 मिनट में ख़त्म हो गई। फिर मैंने एक दिन खाली बत्ती ली, वो तो जली लेकिन तेल कम था, फिर बुझ गई। बत्ती निकाल दी, खाली तेल रह गया, जलाया बहुत माचिस की तीली से, कोशिश करी तेल जले, वो जले ही नहीं। तेल, बत्ती और रोशनी, ये 3 चीज़ें मुझे अभी तक अचंभित करती हैं। ये तो समझ आ गया कि बत्ती जो है वो तेल को खींच रही है, तब वो जल रही है, उसका काम चल रहा है, और वो रोशनी दे रही है। ये रोशनी आ कहाँ से रही है, इसका सोर्स क्या है,
कैसे ये रोशनी पैदा कर रही है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते मन में उत्सुकता बनी रहती थी, सबसे पूछती भी थी कि रोशनी कहाँ से आती है, लेकिन जो मैं उत्तर चाहती थी वो मुझे नहीं मिला। कई वर्ष बीत गए, नौकरी लग गई, शादी हो गई, जिस परिवार में गई वो भी सनातनी परिवार था, मूर्ति पूजा करते थे, कृष्ण भक्त थे हस्बैंड। पहले ये कोई भी धार्मिक किताब हस्बैंड नहीं पढ़ते थे, मुझे बड़ा शौक था कि पति मुझे ऐसा मिला जो सोते समय धार्मिक किताबें पढ़ के सोए। तो इनको किसी तरह इस्कॉन में लेके गई, वहाँ दो चार बार गए तो इनमें बहुत परिवर्तन हुआ, इनको अच्छा लगा, इन्होंने तो अपना लिया उस धर्म को, हरे कृष्ण धर्म को। लेकिन मैं फिर पीछे हट गई, क्योंकि मुझे जाप करने में भी आनंद नहीं आया। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहो, माला पकड़े रहो, ये मेरे से तो नहीं होगा। हस्बैंड कह मुझे तो यहाँ ले आई और खुद पीछे हट गई। मैं कह मुझे तसल्ली नहीं हो रही, ये माला जाप हर समय हम हाथ में लेके क्यों करें, मुँह से हम कर सकते हैं ना, भगवान का सिमरन करना है, हम मन में भी कर सकते हैं, ये काउंटिंग किस लिए करनी, किसको दिखाना है कि हम जाप कर रहे हैं, क्यों काउंट करूँ मैं। लेकिन इनके गुरुजी ने कहा था 16 माला प्रतिदिन करनी है और एक माला में 108 होती है, तो हिसाब लगाती थी तो बहुत टाइम लग जाएगा, नौकरी भी करनी, बच्चे देखने, तो इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, मैं मन में ही कर रही हूँ। अब मन में कितना हो रहा है कोई गिनती नहीं है, ये चलता रहा। लेकिन फिर भी अंदर से एक उत्सुकता बनी रही कि हम क्या खोज रहे हैं। ऐसे करते करते नौकरी का समय भी पूरा हो गया, रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद मुझे कैंसर की तकलीफ हो गई, वो भी अब ठीक हो गया, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चलता रहता था। अचानक एक दिन मुझे कोई लेडी मिली हॉस्पिटल में, तो उनसे मैंने कहा कि मेरे को समझ नहीं आता कि लोग कैसे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कई लोग चार कहते हैं, हाँ हम पति पत्नी दोनों 4 बजे उठते हैं। तो मैंने कहा क्या करते हो, ध्यान करते हैं। वो क्या होता है ध्यान, 4 बजे तो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं उठी, जब नौकरी करती थी बच्चे छोटे थे उस समय भी नहीं उठ पाती थी मैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कहती नहीं नहीं आप कोशिश तो करें, ये बड़ा आसान है, आपको इतना अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। तो अंदर से उत्सुकता थी, चलो ये भी करके एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो घर आके मैंने कहा कि ऐसे सरोज डैंग नाम है उनका, वो दिल्ली में ही रहती हैं रोहिणी में, तो मैंने कहा वो दोनों हस्बैंड वाइफ करते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बताया, कहने लगी मैं तो अपना जो कर रहा हूँ ना माला जाप, मेरे को तो वही ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम्हें छूट है, तुम अपना करो, ठीक है मैं ही करती हूँ। क्योंकि अंदर से इतनी दृढ़ता से मैंने ये निश्चय किया कि मुझे उठना है, मैंने 5 बजे का अलार्म लगा के सोई, तो मैं 4:30 बजे उठ के बैठ गई, उठा और कोशिश करी ध्यान लगाने की, पीछे थोड़ा बैक में तकलीफ है तो पीछे मैंने कहा पिल्लो भी लगा सकते हैं, टांग में थोड़ा स्वेलिंग है तो उनका टांग लंबी करके भी क्रॉस करना है, सीधे बैठो क्रॉस करके या लंबी करके, कोई दिक्कत नहीं। मैं हैरान हो गई कि जो सारी ज़िंदगी इतने 62 साल तक कभी 5 बजे नहीं उठी और अब ध्यान के लिए 4:30 बजे उठ रही है, ये तो चमत्कार हो गया। घर में भी सब हैरान कि मम्मी को क्या हो गया इतनी जल्दी उठ रही हैं। और कई बार तो इतनी उत्सुकता होती थी, मैं उठ उठ के टाइम देख रही हूँ, 2 बजे उठ के बैठ रही हूँ, 3 बजे उठ के बैठ रही हूँ, अरे मुझे क्या हो गया ये समझ ना आया। लेकिन अभी मैं किसी से मिली नहीं थी, ना पत्री जी से ना किसी से जुड़ी थी, सिर्फ अपने आप ही उनके कहने से कर रही थी। फिर अचानक एक बारी कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें यूट्यूब में देखा मैंने, दीप्ति नडेला मैडम का यूट्यूब में वो गाइडेड मेडिटेशन करवाती हैं आनापानासति नाम से, 32 पॉइंट कुछ मिनट का था वो। सबसे पहले मैंने वो किया, इतना आनंद आया कि वो तो छूटे ही ना, दिन में सुबह भी करना और रात को भी करना। फिर 1 घंटे वाला शुरू किया, ऐसे लगे कि मेरी तो जीवन ही बदल गया है, जो मैं चाहती थी मुझे आज मिल गया, तब जाके मेरे को ठहराव आया। अब आनापानासति जो दीप्ति नडेला मैडम का वो भी कर लेती हूँ, हितेश वशिष्ठ जी का है वो भी करती हूँ, श्रेयांस डागा हैं उनका बहुत अच्छा है, जो जो यूट्यूब में मुझे ध्यान वाले मिलते हैं उन सब का मैं एक्सपीरियंस लेती हूँ और बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरा जीवन अब जो है ट्रैक पर आ गया है, जो मैं चाहती थी अब वो मेरी उत्सुकता समाप्त हो गया। फिर वृंदावन में 3-4 दिन का प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि पत्री जी से मिलूं, लेकिन हुआ क्या कि जब मिलने का समय आया, दिल्ली में आए हुए थे, हमने प्रोग्राम बनाए मिलने जा रहे हैं, तो उसी समय फ़ोन आ गया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो किसी से मिल नहीं रहे, प्लीज़ मत आओ, भीड़ बहुत हो गई है, वो किसी को भी दर्शन नहीं दे रहे, जो इनको दे चुके हैं बस, अब 3 दिन के लिए आए थे वैसे, वो 1 दिन के बाद ही उन्होंने दर्शन देने बंद कर दिए। तो मन में एक रह गई इच्छा कि उनसे मिलना था, मिल नहीं पाई, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे, तो सोचा करताल जाएंगे कभी तो उनसे मुलाकात होगी, उनके परिवार से मुलाकात होगी। तो लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि वो शरीर त्याग चुके हैं, वैकेट कर लिया उन्होंने अपने बॉडी से आत्मा को, तो बड़ा ही दुख हुआ कि उनसे मिले नहीं।
फिर लगा कि इंसान तो नहीं रहता, उनके रूप में उनकी जो बेटी है परिमाला, मेरे को उसमें उनके पापा ही नज़र आते हैं। फिर सोचा कि उन्हीं के DNA है, उन्हीं की ही संरचना उनके अंदर है, वही चीज़ें वो कर रही हैं, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं रहे तो कोई बात नहीं। इसके बाद धीरे धीरे मतलब मैंने इच्छा पैदा की कि मुझे करताल जाना है। मेरा बेटा हैदराबाद में रहता था तो 2 साल मैं सोचती रही जाऊँ, सब कहते थे अरे वहाँ मत जाना, तेलुगु बोलते हैं, सब समझ नहीं आएगी तुम्हें, अब अकेली कैसे जाऊँ, इतनी दूर का मामला। पर अंदर से मैंने संकल्प लिया मुझे करताल तो जाना है, यूनिवर्स में डाल दिया मैसेज कि करताल मुझे पहुँचा दो जैसे भी हो। और ये भी पता था इसकी डेट फिक्स है 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। 2 साल ऐसे निकल गए, कोई साथ ही ना मिला। इस साल फिर इच्छा उत्पन्न हुई, सरोज से कहा चलो, कहती नहीं मैं इतने दिन तो नहीं जा सकती, मुझे बच्चे पोता पोती देखने हैं, नाता नाती देखने हैं। अच्छा भाई ठीक है, अब क्या करूँ, पर मैं कैसे जाऊँ, बेटा भी अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, दूर चला गया, अब मैं जाना है। अचानक से हस्बैंड के दिल में थोड़ा रहम आया। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं वैसे ध्यान में अभी इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं चलता हूँ। मेरे तो आप सोचो कि ऐसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं करताल जाऊँगी। 1 महीना पहले टिकट बुक करवा ली, 22 नवंबर को ही हमने टिकट बुक करवा ली, कहीं दोबारा मूड बदल ना जाए, कहीं जाना रह ना जाए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर करताल में पहुँच गई और मेडिटेशन कर रही हूँ। अब मैं जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ का जो मैंने आते ही ऑब्ज़र्व किया है, जो मैं खुद हैरान भी हूँ, 5-6 दिन पहले पार्वती पिरामिड के पास मैं ध्यान करने के लिए बैठी चबूतरे पर, और मैं जैसे वो कहते हैं चश्मा उतारो, तो चश्मा उतार के चबूतरे पर रख दिया, आलती पालती लगा के बैठ गई। उस समय बाय चांस मैं और मेरे पति के अलावा और कोई भी नहीं था। बड़े आधा घंटा ध्यान किया और उसके बाद उठे, जैसे ही चारों तरफ देखा मेरा चश्मा गायब, ढूंढ ढूंढ के थक गए, नहीं मिला। अगले दिन फिर सुबह आई, देखा नहीं मिला। पुजारी जी ने देखा, झाड़ू लगाई, सब कुछ किया, क्या ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा इशारे से बताया, भाषा नहीं वो समझ रहे थे, तो आँखों पे हाथ रख के मैंने बताया ये ढूंढ रहे चश्मा। और उन्होंने भी देखा, बहुत कोशिश की, नहीं मिला। तीसरे दिन मैं फिर ध्यान पे बैठी और मैंने कहा पार्वती मैया, ये अब आपको मेरी हेल्प करनी है, मैंने तो ढूंढ लिया, अब आप ढूंढने में मदद करो, मेरे तो सर दर्द हो गया बिना चश्मे के, आसपास कोई बाज़ार भी नहीं कि मैं नया चश्मा लेके आऊँ, तो कैसे होगा ये, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैंने ऐसे आंखें बंद करी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, जब मैं आंख बंद करने के बाद 15-20 मिनट ही ध्यान किया होगा, उसके बाद लगा उठ जाएं, उठी, जैसे मैंने देखा सामने थोड़ा, तो मुझे कांच का टुकड़ा दिखा पड़ा हुआ है। और नज़दीक गई तो मैंने कहा ये तो कुछ और है, हाथ में लिया तो मेरा चश्मा। मैंने हस्बैंड से कहा ये कमाल है, 3 दिन से हम देख रहे हैं, हमें दिख ही नहीं रहा, और पुजारी जी भी देख रहे हैं। अभी मैंने माता से प्रार्थना की, पार्वती माता मेरी हेल्प करो, मेरी ढूंढवा दो प्लीज़, मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है। तो कैसे मेरे मैनिफेस्ट हो गया, अभी प्रार्थना करी अभी मैनिफेस्ट हो गई। तो मेरे को ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आज सुबह जब मेडिटेशन के लिए गए 5 से 8 बजे के टाइम, तो उसी समय अनाउंसमेंट हुई जो भी नॉर्थ इंडिया से लोग आए हैं लेडीज़, वो स्टेज पर आ जाएं। तो वैसे मुझे 3 घंटे बैठना बहुत मुश्किल होता है एक जगह पर टांग की वजह से, लेकिन मैंने कहा मैं हिम्मत करती हूँ। पार्वती से फिर प्रार्थना करी कि मेरा ध्यान लगाना, 5 से 8 में 3 घंटे में बैठ पाऊँ, मैं कभी नहीं 3 घंटे बैठी। अब मैं स्टेज पर जा रही हूँ तो सारी लाइटें कैमरा होंगे, तो मुझे बैठना ही है, किसी तरह से मुझे कोई दिक्कत ना आए बैठने में, मेरी हेल्प करो प्लीज़। आप मानिए 3 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता नहीं चला। और उस समय जब ध्यान हो रहा था, मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है और मेरी जो सोल है वो लिटरली डांस कर रही है। मुझे लगा कि शायद मैं उठ के डांस कर रही हूँ, लेकिन जब आँख खोली तो मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन उस समय मुझे महसूस हो रहा था आई एम जंपिंग, आई एम डांसिंग। तो इससे जो है हमारा विश्वास जो है और पक्का हो गया कि कोई शक्ति है जो हमारी हेल्प करती है। जब हम सोच के बैठते हैं, कोई संकल्प करके बैठते हैं और यूनिवर्स में हम डाल देते हैं कि हमें ये काम करना है, तो वो कौन करवा रहा है वो हम भी नहीं जानते, लेकिन वो काम हो जाता है। धन्यवाद।